नोएडा की बहुचर्चित बहुमंजिला इमारत ट्विन टावर को ढहा दिया गया है। महज 6 घंटे में अवैध रूप से खड़ी की गई इस बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया गया है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस बिल्डिंग के ढहाए जाने के बाद लोगों के अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं। नेताओं से लेकर समाज सेविकों तक ने भ्रष्टाचार की इमारत को ढहाए जाने की सरगना की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ट्विन टावर को गिराए जाने को लेकर बयान जारी कर दिया है। ट्विन टावर नहीं गिरना चाहिए, जगह जगह पर सरकार बुलडोजर तैयार करके रखती है। जितनी भी बिल्डिंगें, जितने भी टावर बिल्डिंग लॉज के नियमों के अंदर नहीं बने हैं, उनमें सब में इसी तरह का बारूद लगा देना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि जिन ट्विन टावरों को गिराने के लिए ट्विन्स डिप्टी सीएम ने ट्विन ट्वीट किया है, उन्हें ये जांच करनी चाहिए पूरे प्रदेश में, देश में कितने इलीगल बिल्डिंग लॉज के बिना टावर बने हुए इसी कंपनी को हायर करके या दूसरी कंपनी हायर करके सब में बारूद लगा देना चाहिए। और पता लगेगा कि हो सकता है इनके अपने भी टावर ऐसे बने हो जो इलीगल हो, और हो सकता है इन्हें अपने टावरों में भी यही कंपनी से बारूद लगवाना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ट्विन टावर ही नहीं भ्रष्टाचार से बनी हर इमारत पर बारूद लगाकर ध्वस्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए, भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। औरैया जिले के भिदूना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, मोदी सरकार का हर वादा झूठा निकला, उनका हर कथन जुमला निकला।